देखो बच्चों, रदरफोर्ड के मॉडल के फेल होने के बाद बोहर ने अपना मॉडल निकाला। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट। और हर ऑर्बिट की ना कुछ फिक्स एनर्जी होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास है उनके अंदर लेस एनर्जी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर है उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी। और इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं बाय गेनिंग सम एनर्जी, और हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आते हैं बाय लूजिंग सम एनर्जी।